आ जाओ, कान नाम है, माइक के कौन है, ये लो। कितने नंबर आए नीट में सर? 663 थे, ऊपर कर बट लो, नहीं तो हाँ 663 थे, बट 5 मार्क्स कट गए तो 658 रह गए। 658 रह गए। कॉलेज मिला? हाँ मिल गया, कौन सा कॉलेज? उधर देख लो कैमरा, उधर। लखनऊ में हरदोई। लखनऊ में हरदोई कॉलेज मिले, कहाँ से हो? रहते तो दिल्ली में, बट बिलोंग यूपी से रहते हैं। अच्छा ठीक है, तो कौन से बैच से पढ़े थे? सर यकीन 2.0। अच्छा उसी बैच में तुम लाइव हो, उधर देखो कैमरा उधर है, जिस बैच में तुम पढ़े थे उसी बैच में तुम अभी लाइव हाय हो, है गुड ना? मॉर्निंग। हाँ, कुछ बच्चों को बताना चाहोगे? मुझे तो माइक रख लो, हाँ हाथ में रख लो, कोई बात नहीं, ठीक है आ जाएगी। हाँ तुम काप क्यों रही हो, ऐसा आराम से करो, जाओ कोई बात नहीं। तो कौन सा ड्रॉप था तुम्हारा, ये थर्ड ड्रॉप था। थर्ड ड्रॉप था? अच्छा पहले यस कहाँ से पढ़े थे? सर, पहले तो कंफर्म ही नहीं, पहले भी यहीं से ही पढ़े थे, बट उस हाँ टाइम पर कंफर्म नहीं था करना क्या है। अच्छा, आराम 12th के बाद तो ये था, हमारे पूरे मतलब फैमिली में कोई था नहीं पढ़ा लिखा, से आराम से, कंफर्टेबल हो, कोई बात ऐसा था नहीं, कि डरना नहीं है। हाँ शादी होनी है 12th के बाद। अच्छा, हाँ बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते रहते हाँ हैं, बहुत सारी लड़कियां कहती हैं हमारी घर वाले बोल रहे हैं कि लास्ट ड्रॉप है, नहीं तो शादी करा देंगे। नहीं ऐसे नहीं था, हमारे यहाँ से कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं, पढ़ा लिखा तुम्हारे घर से कोई नहीं पूरे है? खानदान में कोई नहीं है। पापा क्या करते हैं, पापा फल फल बेचते हैं कहाँ पे, हेली पर, भजनपुरा कहाँ पे? अच्छा में। हाँ भजनपुरा, भजनपुरा नॉर्थ कैंपस के पास हाँ है ना? हाँ हाँ नॉर्थ कैंपस जानती हो तुम? यस सर, अच्छा वो जो जीटीबी नगर है, यस सर वो उधर ही पे मजनू का है। टीला, और वो एक कौन सा हॉस्टल था हमारा वहीं पे। अच्छा ठीक है, भजनपुरा में हाँ यस सर, पापा वो लगाते हैं, फल का ठेला लगाते हैं भजनपुरा में। यस सर, वो अच्छा सब्बे से उधर की जो ठेली लगती है ना उधर की साइड। अच्छा, और भाई? सर भाई अभी स्टेबल नहीं है, अभी वो भी काम कर रहा है अपना लिफ्ट में, वो तो होता है कहाँ ना रहती हो तुम लोग, कहाँ रहते थे दिल्ली में? सर, वहीं पे ही पास वहां पे रहते थे चांद बाग में, अभी भी वहीं रहते हैं चांदबाग, चांद बाग। चांदबाग। तो वहां पे आसपास में तुम्हारे कोई दोस्त पढ़ने वाले थे? पूरे उस जगह में कोई पढ़ने वाला बच्चा नहीं था? क्योंकि हम रेंट पर रहते थे तो मुझे तो सिर्फ एक या दो लड़के की पता है। अच्छा, और स्कूलिंग कहाँ से है? गवर्नमेंट स्कूलिंग भी गवर्नमेंट स्कूल से किया था। स्कूल से किया यस था। सर, तो स्कूल जब तुमने किया था, पास किए, तो तुम्हें डॉक्टर बन ही बनना था, पता ही नहीं था? नहीं कुछ भी नहीं पता था। 1 साल तक तो यही था कि 12th हो गई, हाँ घर वालों का था आप शादी करो, अच्छा, और फिर पूरा 1 साल तो इसी में तो निकल इतनी गया। मेहनत से पढ़ाई क्यों किया जब तुम्हें पता ही नहीं था कि डॉक्टर बनना है या कुछ करना सर है? ये था घर कि में कोई बस बताने वाला नहीं था, कोई नहीं है, कोई नहीं कोई था, मतलब डॉक्टर, आसपास कोई पापा था चाचा नहीं, क्या करते हैं? वो भी यही काम करते हैं सेम, कोई था ही नहीं आसपास, कोई एक एटलीस्ट कोई पढ़ावा भी नहीं था। मेरा भाई ग्रेजुएट था, हाँ यार इधर देख लो, कोई बात नहीं। बाईस हाँ पे कंफर्म किया कि बस मुझे पढ़ना है। हाँ फिर 12th के बाद तो यही था कि 12th हो गई अब शादी की तैयारी करो, रिश्ते वगैरह भी आए। तो फिर एक दिन 1 साल बाद मैंने बोला कि बहुत मेहनत की है, और मैंने 12th में भी पीसीएम भी ली थी। अच्छा, पीसीएम भी ली थी, बायोलॉजी भी था तुम्हारे पास? अच्छा हाँ, और फिर इतनी मेहनत की थी, रात और दिन पढ़ाई की थी, और घर के भी हालात, वन एक ही रूम था, रेंट पर रहते हैं अच्छा उसी में, पर घर पर हाँ, तो तो पढ़ाई होती नहीं है क्योंकि अच्छा जगह ही नहीं थी, स्पेस नहीं था कि जहाँ पढ़ सके। देन फिर अच्छा उसके बाद 1 साल मम्मी क्या बाद, हाउस वाइफ है, हाँ मम्मी हाउस घर पे वाइफ रहती है। है? अच्छा हाँ फिर पापा से कंफर्म किया, 1 साल बाद मैं कह रही पापा शादी नहीं करनी, बस मुझे पढ़ना है। तो पापा ने बोला क्या पढ़ना है? मैं डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर का ना हमारे यहाँ पर जैसे बहुत ज्यादा दूर के रिलेटिव से जानने वाले होते हैं बहुत ज्यादा, तो जैसे उनका बाहर जाते हैं ना तो उनके ना 30 मतलब 40 लाख, अराउंड 50 लाख अराउंड लगते हाँ होते बाहर हैं, जाते हैं तो इतना लगता है। हाँ इतना लगता है ना। तो उनके उनका माइंड सेट यही था कि अगर लड़की मतलब 40 लाख वाला डॉक्टर बनना है इसको? अच्छा हाँ डॉक्टर बनना है तो हाँ 50 लाख वाले डॉक्टर बनना है। तो उन्होंने कहा ये ना दूर के सपने होते हैं, ऐसे सपने नहीं देखने इधर आ जा चाहिए, थोड़ा जा। हाँ हाँ ये ना सपने नहीं देखने चाहिए तुम वगैरह, अगर तेरे को पढ़ना है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि पहले तो डर भी था कि पापा से पूछूं ना पूछूं, कोई पढ़ा लिखे नहीं है खानदान में, मैं तो लड़की हूँ और नहीं दी ज्यादा। तो तुम 11th 12th में भी पढ़ रही थी तो कोचिंग कहीं नहीं गई होगी, ऑफलाइन हाँ कोचिंग? कोचिंग मैंने लिया था, अच्छा अच्छा कोचिंग लिया था मैंने, क्योंकि मैं पहले हिंदी मीडियम में थी ना हिंदी 9th मीडियम से तक, थी? और फिर अच्छा इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल था तो इतनी अच्छी पढ़ाई भी नहीं। कोचिंग कहाँ लिया था, सर वहीं पे ही पास में लिया था, कोई मतलब लोकल कोचिंग था वहां हाँ पे लोकल 12th में? कोचिंग था 12th में। हाँ ट्यूशन टाइप जो होता है ट्यूशन मोहल्ले में? टाइप होता है ना, उस टाइप का लिया था। तो उस
रात, और वो भी मतलब ऐसा था, बॉयज और गर्ल के शिफ्ट होती है ना, तो वो रात में था कोचिंग 8 से 9, तो उसकी भी बहुत इजाजत ली, बहुत मेहनत की, मतलब 12th तक भी, 12th के बाद ऐसा था, इतनी मेहनत की मुस्कान, और फिर भी कुछ नहीं है लाइफ में। हाँ नहीं होता है एक और साल फिर में। उसके बाद शादी, ये 1 साल बाद करना क्या है, जल्दी से सजेशन लो पापा, जल्दी से बात करो, डिस्कस करो घर में, मम्मी से बोला, मम्मी कह रही है कि तेरे पापा की चलती है, मैं तेरी दादा दे दूंगी, सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर पापा से बात की तो पापा ने कहा कर लो, बट डॉक्टर ही नहीं, क्योंकि हमारा इतना, हम इतना नहीं कर सकते, ये जो स्कूल के टीचर होते हैं इनकी देख लो, प्राइवेट की तैयारी कर लो, उनको लगा कि टीचर बनना 2 या 1 या 2 साल का काम है, तो अच्छा वो चाहते थे कि तुम टीचर बन जाओ, नहीं स्कूल हाँ स्कूल में मतलब, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लो, चार हाँ पांच दस अगर हजार तुम्हें रुपये आ कुछ, जाएंगे। अगर तुम्हें कुछ करना है तो यही कर लो, हाँ मगर आसान फिर है। आसान है, तो मैंने कहा नहीं, मुझे बस 2 साल दे दो। और फिर सच बताऊं तो नीट का पता नहीं था उस टाइम पे, 1 साल मतलब तरुण सर से उस पर पढ़ाई की थी, बायो बायो की, तो 1-15 दिन बचे थे घर पर पढ़ाई की, तो 360 मार्क्स आ गए बायो में, ओनली बायो पढ़ी थी फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट। 360 आ गए, हाँ क्योंकि मैंने 360 आ गए, हाँ पूरे आ गए थे नहीं 359 49 थे, हाँ 349 पिछले तो साल। नहीं पिछले साल नहीं, अच्छा ये 2020 के बाद है। फिर मैंने घर अच्छा वालों से बात की कि हाँ नीट का एग्जाम होता है, ऐसे ऐसे एग्जाम होता है, मुझे पढ़, मम्मी से और भाई से बात की, क्योंकि घर में किसी को नॉलेज ही नहीं थी इतनी, तो कहने लगे तेरे को जो पढ़ना है पढ़ ले, वो तेरी लाइफ है। तो फिर ऐसा था कि अब फीस है घर में, मम्मी ने कहा कि घर में तो पढ़ाई होगी नहीं, एक काम कर, क्योंकि घर में हम एक ही लड़कियों रूम का है। एक ही रूम नहीं, एक ही रूम, फिर दोबारा फ्लैट बदला, लेकिन ये था कि एक रूम है, और जो लड़कियां होती है ना वो मतलब अगर कोई आ रहा है तो उनको लग रहा है लड़की पढ़ रही है, मतलब कुछ गलत कर रही है, फोन चला रही है, फोन पे ही तो पढ़ाई होती है ऑनलाइन, और कोई आया है तो पानी भी हमको ही देना है, चाय भी हमको ही बनानी है। तो मम्मी ने कहा कि फिर घर का काम भी हमें ही करना है, और फिर बाहर के आते थे कहते थे पूरे दिन पढ़ती रहती है, और फिर घर में काम भी होता है, तो मम्मी ने सजेशन दिया कि यहाँ नहीं हो पाएगा, बराबर में एक लड़की पढ़ती थी घर के बराबर में, तो वो लाइब्रेरी जाती थी, मम्मी ने उनसे पूछा कि मुस्कान तू लाइब्रेरी ज्वाइन कर, तो स्टार्टिंग में 5 आवर्स की, क्योंकि घर से मतलब पूछा नहीं कि मतलब पापा से पूछा कि मतलब घर से बाहर जाकर पढ़ना है लाइब्रेरी में, तो उन्होंने कहा 5 घंटे बहुत है। फिर उस टाइम पे मैंने सुबह 8 से लेके 4 बजे तक लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, तो मेरे आए थे 500 अप्रोक्स मार्क्स आए थे, फिर एक और अटेम्प्ट दिया, उसके बाद उसमें आए थे मेरे 596, तो मम्मी ने कहा डॉक्टर डॉक्टर होता है, तुम्हारे इतने मार्क्स आए, क्योंकि मैं कोचिंग पढ़ाती थी लाइब्रेरी की फीस भरने के लिए, मैं कह रही किसी पर डिपेंड नहीं होना, पापा पापा को रेंट भी देना होता है और भी है, तो मैंने अपनी लाइब्रेरी की फीस भरने के लिए शाम को कोचिंग पढ़ाना, छोटे बच्चों को। हाँ सुबह लाइब्रेरी से आना और शाम को कोचिंग पढ़ाना, ये था कि मेरी लाइब्रेरी की फीस निकल जाती थी। और फिर उसके बाद ये हो गया, ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई, मेरे आए 596 लास्ट ईयर, तो मम्मी ने कहा कि तुम्हें BAMS मिल रहा है तो तुम BAMS ले लो, क्योंकि बाहर मिलता है, अगर मिलता ना आउट ऑफ दिल्ली आउट ऑफ यूपी मिलता है, तो मम्मी ने कहा इतने मार्क्स पर तो तुम्हें बाहर मिलेगा, बाहर अलाउड नहीं है, लड़की हो तुम, तो तुम एक काम करो, तुम्हें BAMS मिल रहा है, डॉक्टर डॉक्टर होता है, तुम BAMS ले लो। हाँ BAMS में एडमिशन ले लिया, बहुत प्रेशराइज थी, और फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी में मिल रहा था, और इतना इतना हमारे घर का हालात नहीं है कि हम डीम्ड यूनिवर्सिटी में ले लेते हैं, हाँ वहाँ पे पैसा ज्यादा लगता है। हाँ तो मैंने डीम्ड में नहीं लिया, मैंने BAMS में ले लिया एडमिशन गवर्नमेंट, फिर ले लिया फाइनल एडमिशन हाँ BAMS में ले लिया। लास्ट अच्छा ईयर ले लिया। फिर उसके बाद था 1 नवंबर से वहां पर क्लासेस स्टार्ट हुई, दिसंबर तक गए, सर समझ नहीं आया, मतलब एक अंदर से फील नहीं आई कि हाँ मैं यही होनी चाहिए होती, इतनी मेहनत की थी, कोचिंग दिया बच्चों को पूरे पूरे दिन, मतलब उस टाइम पे भी मैंने जितने घर में शादी होती थी, कजन की शादी थी वो भी स्किप कर दी थी कि नहीं पढ़ना है, घर में शादी और मैं लाइब्रेरी हूँ, घर में बहुत सारे मेहमान है और मैं लाइब्रेरी हूँ, मैंने कहा नहीं 1 साल और करके देखते हैं, घर वालों को बताया नहीं। फिर जो मेरी कजन है ना इमराना अप्पी, तो उनके घर में ज्यादातर डॉक्टर है, उनके हस्बैंड ने कहा कि अपने सपने से ड्रॉप मत लो, 1 साल तुम पढ़ लो, 1 साल तैयारी कर लो मुस्कान, BAMS तुम्हें लगता है ठीक है, बट सच बताऊं तो उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की, मुस्कान तुम्हें करना चाहिए, सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दोबारा तैयारी करो, मैं कह रही हाँ, फिर मतलब
कंफ्यूजन थी, मम्मी के ऊपर भी प्रेशर था कि 2 साल हो गए, क्योंकि 2 साल अभी तक कुछ हुआ नहीं है, और फिर ये भी था कि टीचिंग कर लेती बेस्ट रहता, शादी की एज हो रही है 2 साल में. फिर मैंने दिसंबर से पढ़ाई स्टार्ट की, और फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में तो मेरे थ्री मतलब पहले 596 थे, फिर आए मेरे 340 टेस्ट मार्क्स. डिप्रेशन में कि होगा क्या. फिर दोबारा आपके लेक्चर मैंने शुरू से देखे थे, ऐसा नहीं था कि मेरे 596 आए तो मैं स्किप कर दूं आपके नोट्स ही कर लूं, नहीं. मैंने एक का एक आपका लेक्चर देखा था स्टार्टिंग से, 1.5x पे देखा था, बट मैंने सारे देखे थे रिकॉर्डेड, क्योंकि वो नहीं हो पाता था कि मतलब मैं लाइव ले लूं, लाइव के लिए टाइम भी नहीं था इतना. लाइब्रेरी ज्वाइन की उसके बाद मम्मी का ना ये चीज पैरालाइज हो गई. अच्छा, ये चीज पैरालाइज हो गई तो लास्ट ईयर 23rd में, दिसंबर के लास्ट में. अच्छा, सर्दी में इस चीज को, तो पूरा जैन और आधा फेब इसी में निकल गया. घर में बड़ी हूँ मैं, घर का सारा काम करना होता है, सारा काम आ गया, रात का खाना बनाना, दोपहर का खाना बनाना. तो फिर लाइब्रेरी भी जा नहीं पाई, कॉलेज भी जा नहीं पाई, तो ऐसा था होगा नहीं, छोड़ दे कॉलेज कंटिन्यू कर ले, क्योंकि फिर पूरा फेब निकल चुका था. बट मेरे जो मोटिवेटर है, थैंक यू टू इमरान जी, जो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, तुम कर लोगी. तो मैं लास्ट ईयर बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, आपकी वीडियोस देखी. फिर मैंने, मेरा फोन भी खो गया था, क्योंकि सारे नोट्स वगैरह मैं कह रही वो भी गया. फिर भाई ने फाइनेंस कराया एक फोन, इरफान बड़े वाले भाई ने मेरा फोन दिलाया. उसके बाद मैंने पढ़ाई कंटिन्यू की. मैंने की थी 15 फेब से पढ़ाई स्टार्ट. फिर घर चेंज करना हो गया, क्योंकि किराए पे रहते हैं, तो उसमें भी पूरे 10 दिन चले गए. फिर रमजान आ गए, तो मेरे रमजान का महीना आया, बरकत ये मुस्कान, दुआ कर हो जाए. उस टाइम पे भी 540 मार्क्स आ रहे थे डब्ल्यू के टेस्ट में. तो मैंने करा कि मैं सुबह मॉर्निंग में 7 बजे जाती थी लाइब्रेरी, और आती थी 9 बजे. फास्ट में रहती थी, फास्ट भी वहीं पे ही, मतलब फास्ट खोलती थी वहीं पे, रमजान वहीं पे खोलती थी लाइब्रेरी में. मॉर्निंग में जाती थी 7 बजे, रात को आती थी 9:30 बजे करीब. 14 घंटे, हाँ कंटिन्यू, मतलब 14 घंटे बैठ के पढ़ती थी, हाँ रमजान में. और मतलब अम्मी कहती थी भूख रही थी रमजान, मतलब स्किप कर दे. मैं कहती नहीं, बिलीव भी होना चाहिए, यकीन भी होना चाहिए, हो जाएगा. फिर रमजानों के बाद मेरे आने लगे, मतलब ईद के बाद मेरे आने लगे 600 अराउंड मार्क्स. फिर घर में शादी आ गई, लेकिन नहीं, शादी नहीं करनी किसी की, कोई भी हो घर में मेहमान नहीं, मैं लाइब्रेरी हूँ. 9 बजे आ रही हूँ, सब कहते हैं मतलब दूर दूर से गाँव से आते हैं, आपकी लड़की 9 बजे लाइब्रेरी से आ रही है, ये टाइम में बताओ, आपने तो ज्यादा छूट दे रखी है. और मतलब सब ऐसे करते हैं, लाइब्रेरी नहीं जाती, मतलब कुछ करने जाती हूँ पूरे दिन, ऐसी कोई सी पढ़ाई नहीं होती, हमारा बेटा ये है वो ये है, मतलब एग्जाम्पल देने लगते थे. उसने तो आज तक पढ़ा नहीं इतना, आपकी बेटी 14 घंटे में लाइब्रेरी में करती क्या है, सब यही कहते थे क्या करती है. एक बार हमारा लेक्चर दिखा दो, उसको नोट्स बनाने में पता चल जाएगा क्या करती है, कि करती क्या है. ये ना पक्का आपका बेवकूफ बना रही है, मतलब होता है. हाँ, दूर के रिलेटिव थे तो मम्मी से कहते हैं आपकी लड़की आपका बेवकूफ बना रही है, और कुछ नहीं है. क्या बोलते है कि 14 घंटा कौन सी पढ़ाई होती है भाई, हमने देखे बड़े बड़े, और उनके बड़े बड़े वो वाले डॉक्टर होते हैं जो बाहर बैठते हैं मोहल्ले में, जो बैठते हैं ना वही वाले डॉक्टर होते हैं, जो कि वो इतना भी नहीं पढ़ा. 14 घंटे कौन सी पढ़ाई होती है भाई, सुबह 7 बजे की निकली है, 9:30 बजे आ रही है घर. अब क्या हाल है उन लोगों का, उन लोगों को पता ही नहीं है अभी भी क्या. अच्छा, अच्छा अभी पता नहीं, अभी भी झोला छाप रही है. कोई बात नहीं, चलो बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशन, अच्छा लग रहा है. साथ में कोई आया? हाँ मम्मी आई है. अच्छा मम्मी आई है, हाँ मम्मी आई है. बुलाओगी मम्मी को यहाँ पे, कम्फर्टेबल होंगी तो? नहीं मम्मी तो नहीं आएंगी, क्योंकि बाहर है, और वो सच कभी कैमरा पर भी नहीं है. अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, मैं मिलता हूँ, है ना. ओके, और कुछ नाश्ता पानी करो, मैं आता हूँ फिर, ठीक है. कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो, मचा दिया तुमने. आपके लेक्चर मैंने देखे, आपकी एक चीज फॉलो की, ऐसा तो लास्ट ईयर के नोट्स से नहीं, दोबारा नोट्स बनाने. अच्छा लास्ट ईयर के नोट्स थे सब था, फिर भी वीडियो लेक्चर देखा, दो वीडियो लेक्चर देखा. और लास्ट ईयर भी फिजिक्स में अच्छा स्कोर था, बट नहीं, क्योंकि सब स्किप हो गया था. और ऐसा है ना, अगर मैं एक साथ करती तो कुछ नहीं हो पाता.
क्योंकि लेक्चर से ना इंसान के दिमाग में वो चीजें रहती है, पढ़ाई में टीचर्स की चीप आते रहती है, और आप जो समझाते हो ना एक एक चीज से एग्जाम्पल ऐसे देते हो ना कभी निकलता ही नहीं है वो। आप ये देते कि 10 बार फॉर्म में लिखो, लिखती थी बट मैं नोट्स ना ज्यादा नहीं बनाती थी, एक पेज के नोट्स बनाती थी बस। एक पेज में जैसे ये सब लिख रहा है ना, ये सब इतने से कॉलम में आ जाता था, सारे फॉर्मूले सारे फॉर्मूले फॉर्मूले, और जो आप लिखते थे ना ये वाली ट्रिक होनी चाहिए, ये होना चाहिए, बस वही क्वेश्चन प्रैक्टिस पीडीएफ से कर लेते थे। क्वेश्चन प्रैक्टिस पीडीएफ से, और फिर एक ग्रुप बना हुआ था कॉलेज टाइम का, तो उसमें था कि बहुत सारे टेस्ट तो इतने दिए कि सारे कोचिंग होते हैं ना सबके ही टेस्ट मिला लो, सब दिए, पर डे का भी टेस्ट दिया है मैंने, जो लास्ट का मंथ था ना अप्रैल का, मैंने पर डे टेस्ट दिया, फिर उसमें 6:30 6:40 आने लगे, तब कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया ना, फिर डेवलप हो गया कि हो जाएगा बस फाइनल, सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो, है ना, और बिल्कुल इतना ही मेहनत लगता है जो तुमने अभी देखा है ना, इतना ही मेहनत, इतना ही पेशेंस और खुद पे भरोसा, और जिस पे भरोसा करते हो उस पे भरोसा, जिसको मानते हो उस पे भरोसा। आपका अगर थ्री या थर्ड रो पे अगर आप चाहो ना, इधर थोड़ा सा अभी दिख नहीं रहा, हाँ कर लोगे, क्योंकि मैंने भी किया है, विद इन 3 मंथ्स किया है, लेकिन वही है ना, कर तो लोगे लेकिन उसको करने से पहले आपको वही 14-14 घंटे एक साथ बैठना पड़ेगा। मैंने 16-16 घंटे भी किया है, घर पर जाके नमाज पढ़ के, रमजानों में पता है ना, रमजान में फास्टिंग होती है, पूरे दिन कुछ नहीं खाना होता है, फिर भी पढ़ना होता है। अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, तुम खुद कर लोगे, कितनी भी पढ़ाई हो, मेरे 540 मार्क्स, अगर आपको यकीन नहीं होता पीडब्ल्यू में देख लो आप, जो रिजल्ट होता है ना टेस्ट का, उसमें 540 मिलेंगे या अप्रोक्स 600 मिलेंगे मार्च तक, फेब के लास्ट तक आपको यही मिलेगा, और 658 आए, मतलब मैंने मेहनत की, आप ही करोगे हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं, शायद मैं एक एक्सट्रीम केस की भी बात कर लेता हूँ, कि इतने मेहनत के बाद भी नहीं हुआ तो क्या, मैं मान लेता हूँ, चलो तो नहीं हुआ था ना पिछले साल, इसका कहाँ हुआ था, इतनी मेहनत के बाद कहाँ हुआ था पिछले साल, उससे पहले भी नहीं हुआ था, तो एक टाइम लगता है। ठीक है सर, इस बार भी नहीं होता तो क्या, इस बार भी नहीं होता तो इसको इतना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आ गया था कि भूखे तो नहीं मरती, मान लो कि तुम्हें अच्छा फील्ड है, बट ये था मेरे दिमाग में वही था कि करना है MBBS। आप देखो कि आपकी फैमिली कहाँ थी, आप ये समझो कि सबसे पहले हमारा मतलब हमें क्या करना है भाई, हमें अंबानी थोड़ी ना बनना है, हमें वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूरोलॉजिस्ट और जो सबसे बड़ा डॉक्टर ही थोड़ी ना बन जाना है, हाँ हमें, हम जहां पे हैं उससे हम कितना ऊपर उठ रहे हैं ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। मान लो मैं ये भी मान के चला, आज तो इसको सिलेक्शन हो गया, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो, बढ़िया मेडिकल कॉलेज में जा रही है, अच्छा डॉक्टर बनेगी, मैम कह दो कि अगर इस बार भी नहीं होता तो क्या, इस बार भी नहीं होता फिजिक्स में 6-6 साढ़े 6 मतलब फुल लेंथ टेस्ट में इसके 630-640 नंबर आ रहे थे, ठीक है, तो इसको इतना नॉलेज तो हो ही गया था, ये बीएमएस करती आगे शायद टीचिंग में जाती, बीएमएस करके अपना कैरियर बनाती, तो इसका आईक्यू लेवल इतना डेवलप हो गया था, प्रेशर झेलना इतना सीख ली थी कि जहां पे इनकी फैमिली थी उससे तो बहुत ऊपर ले जाते हैं ना, तो बीएमएस में भी जाके बहुत अच्छा स्कोप है उसके अंदर, बस ये कि समझ नहीं आया मेरे, मतलब दिमाग में ना कि ड्रीम है उसको फुलफिल करना है, जो सोचा है उस पर एकदम करना है, मतलब करना है, ठीक है, चलो कांग्रेचुलेशन है ना, फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय, अभी मैं आऊंगा बाहर, है ना, ठीक है।